गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों हम हिंदी 2 में पढ़ेंगे शब्द और वाक्य। शब्द और वाक्य चैप्टर 4 शब्द और वाक्य। इसमें हम देखेंगे कि बच्चों जैसे कि आपने क्रियाकलाप में देखा कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से शब्द बनता है। दो या दो से अधिक वर्ण जैसे मिलते हैं तो उससे क्या बनता है? शब्द मतलब कि व्यंजन, वर्ण मतलब व्यंजन। प्रत्येक शब्द का कुछ न कुछ अर्थ होता है। प्रत्येक शब्द जो बनता है वर्णों से उसका कुछ न कुछ अर्थ होता है। जैसे, और बच्चों जब भी स्वर और व्यंजन आपस में मिलते हैं, स्वर और व्यंजन जब भी आपस में मिलते हैं तब किसी न किसी शब्द की रचना होती है। जब स्वर और व्यंजन आपस में जब मिलते हैं तो किसी न किसी शब्द की रचना होती है। वर्ण का सही मेल ही सार्थक शब्द का निर्माण करता है। जब वर्ण का सही मेल होता है, ऐसे उल्टे सीधे वर्ण मिला दो तो कोई शब्द बनता नहीं है। तो वर्ण का हम सही मेल से जो मिलाप करे उसका और शब्द बनाए तो शब्द सार्थक बनता है, मतलब कि सही शब्द बनता है। जैसे कि हम अब देखेंगे कि सार्थक शब्द देखे पहले हम, ठीक है? तो जैसे वर्णों का जोड़, वर्णों का जोड़, फिर घ प्लस र, तो घ र, एक ये घर है और कमल, तो घर और कमल का चित्र दिया गया है। तो ग प्लस र बराबर घर, ऐसे शब्द बनता है। कि क प्लस म प्लस ल, तो क म ल, तो घर एक शब्द है, उचित शब्द है, सार्थक शब्द है। कमल है वो सार्थक शब्द है। फिर आम, तो आम है वो सार्थक शब्द है। तो हम देखेंगे पहले के क प्लस म प्लस ल, तो शब्द बना कमल। तो ये कैसा स्टार्ट है? सार्थक, एक फूल है, अर्थ जाने तो ये क्या है? एक फूल है। फिर अ प्लस आ की मात्रा प्लस म, तो आम, तो ये क्या है? आम मतलब आप आम खाते हो ना, तो आम मतलब एक फल है। तो इसका अर्थ क्या है? एक फल। तो ये सार्थक शब्द है, शब्द बनाया पर इसको शब्द बोला जा सकता है। शब्द में हम वाक्य में इसको यूज कर सकते हैं, ये वाक्य इससे बन सकता है। कमल, तो ये कमल का फूल है, ऐसे वाक्य बना सकते हैं। फिर आम, तो ये आम का पेड़ है, ऐसे वाक्य बना सकते हैं। पर कोई शब्द ऐसा हो कि जिसका वाक्य ही नहीं बनता है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं निरर्थक। कोई वाक्य नहीं बनता ऐसे शब्दों को हम निरर्थक, कोई किसी काम का वो शब्द नहीं है उसको निरर्थक बोलते हैं। तो ये सार्थक शब्द हमने देखे, अब हम निरर्थक शब्द में आपको समझाऊंगी। तो निरर्थक, तो पहले हम देखेंगे के वर्णों का जोड़, शब्द और अर्थ। तो र प्लस मो, तो रामो, रामो कोई शब्द बनता है? नहीं बनता है। कोई अर्थ नहीं है इस शब्द का, कोई भी अर्थ होता नहीं है और ये वाक्य में हम यूज कर सकते नहीं है। वाक्य में इसका कोई मतलब नहीं होता, तो वाक्य में ये आता नहीं। फिर थी प्लस हा, तो थो हा,
कोई अर्थ नहीं है। दोहा का कोई अर्थ होता है? नहीं होता, शब्द बनता ही नहीं इसका भी, कोई इसका मीनिंग होता ही नहीं। तो ये वाक्य में हम इसको नहीं रख सकते, इसका वाक्य बन सकता नहीं। तो आपको समझ में आया कि सार्थक और निरर्थक, जैसे कमल, आम, घर, पेड़, वो सब सार्थक है, इसका शब्द का मीनिंग होता है पर, और इसके वाक्य भी बन सकते हैं, पर इसमें जैसे रमो, थोगा, ऐसे जो शब्द है उसका कोई वाक्य बन सकता नहीं है। इन शब्दों का एक निश्चित अर्थ है, घर रहने के स्थान का और कमल एक फूल का नाम है। घर क्या है? एक रहने का स्थान है, तो उसका शब्द है, उसका वाक्य बन सकता है। और कमल एक फूल है, तो उसका एक फूल का नाम है, तो उसका भी वाक्य हम बना सकते हैं। परंतु जब वर्णों को सही क्रम में नहीं रखा जाता, परंतु जब हम वर्ण सही तरह से उसको नहीं रखते तो उस शब्द का कोई अर्थ नहीं निकलता। हम वर्ण को सही शब्द बनाने के लिए सही से हम उसको नहीं रखते तब उसका कोई मतलब रहता नहीं है और उसका कोई अर्थ भी नहीं निकलता। तो लकम ये बिना अर्थ वाले शब्द अत स्पष्ट है, बिना अर्थ कोई उसका अर्थ ही नहीं होता, वो शब्द हमें पता है तो वो शब्द हम वाक्य में लेते नहीं है। दोनों उदाहरण से स्पष्ट होता है कि वर्णों की सही जगह लिखने से ही उससे उनसे बनता है शब्दों, शब्दों का कुछ अर्थ निकलता है, अर्थात वर्णों के सही मेल से ही शब्द बनता है। तो वर्ण है मतलब कि व्यंजन है और स्वर है, उनका सही मेल और सही मेल से हम उसको रखते हैं तब उसका शब्द बनता है, बाकी हम सही मेल से उसको नहीं रखते तो वो शब्द निरर्थक बन जाता है, तो वो शब्द किसी काम का रहता नहीं है। ठीक है, तो हम आज शब्द पे इतना यहाँ तक पढ़े, अब हम क्या पढ़ेंगे, जैसे सार्थक शब्द क्या क्या है वो मैं आपको समझाऊंगी। के बा प्लस द प्लस ल, बा प्लस द प्लस ल, तो क्या बनता है? बादल, तो वो शब्द सार्थक है, इसका कोई वाक्य वाक्य में हम इसको रख सकते हैं कि ये बादल है, ये बादल काले है, ऐसे। मैं प्लस ज, तो मेज, मेज पर किताब पड़ी है, ऐसे वाक्य बना सकते हैं ना, क्योंकि सार्थक शब्द है जिसका कोई अर्थ है, जो अर्थ बिना के शब्द हम बोले तो किसी कुछ किसी काम के नहीं है क्योंकि इसका वाक्य बनता ही नहीं। फिर ब प्लस र प्लस त प्लस न, तो बर्तन, ये भी सार्थक शब्द है। म प्लस ट प्लस र, तो मटर, ये भी सार्थक शब्द है। र प्लस थ, तो रथ, ये भी सार्थक शब्द है। हा प्लस थी बराबर हाथी, तो ये सार्थक शब्द है। मा प्लस ला, तो माला, ये भी सार्थक शब्द है। की प्लस सा प्लस न, तो की सान, तो ये भी सार्थक शब्द है। से प्लस नी प्लस क, तो से नी क, ये भी सार्थक शब्द है। तो इसमें अब हम निरर्थक शब्द देखे कि जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द बोले जाते हैं या कहते हैं। जैसे रसस कोई शब्द है, इसका अर्थ है इस शब्द का नहीं। लकश, कड़ी आदि व्याकरण में ऐसे शब्द का अध्ययन नहीं किया जाता, तो ऐसे शब्द व्याकरण में आते नहीं है और इसका कोई मीनिंग भी होता नहीं है, इसका कोई अर्थ होता नहीं है, तो ये शब्द हम वाक्य में भी इसका कुछ प्रयोग कर सकते नहीं है, वाक्य में ये रख सकते नहीं है। तो बच्चों हमने सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द हमने सीखे, मैंने आपको समझाया कि किसको सार्थक शब्द बोलते हैं, किसको निरर्थक शब्द बोलते हैं, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट में हम पार्ट टू पढ़ेंगे,
यहाँ तक आपको चैप्टर 4 में समझ में आया ना। थैंक यू।